अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे, इलाही आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ दही बड़े छोले, जो बनाते हैं बाज़ार में बिकते हैं, जो हम लोग स्कूल के ज़माने में स्कूल में भी खाते थे। तो दही बड़े छोले बना रही हूँ, दही फुल्कियाँ नहीं बना रही, दही बड़े और छोले बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ना ये बेसन ले लिया, तकरीबन एक कप जितना बेसन लिया है। और उसमें मैं डालूंगी 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा मीठा सोडा है, और लाल मिर्चें हाफ टी स्पून तो थोड़ी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, ये दो तीन चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, ताकि ना थोड़े हमारी जो फुल्कियाँ हैं ना वो भी थोड़ी चटपटी हो जाए। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम लोग फेंट लेंगे, हम लोग इस तरह इस तरीके से फेंट लेंगे। थिकनेस बता दूंगी मैं आप लोगों को, कितनी थिकनेस रखनी है बेसन की ना, कितना लिक्विड रखना है, इसलिए बता दूंगी आपको अभी। तो इसको मैं बना लूँ ना, आपके सामने ही बना रही हूँ मैं। ये देखें बस इतना होना चाहिए, ये देखें इसमें बस इतना, ये ज़्यादा देखें इस तरह, बस इतना होना चाहिए। बस इसको भी हम लोग बना के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर हम लोग बनाएंगे इसका दही बड़ा मसाला। फिर मैं आपको वो बताती हूँ, जब तक ये थोड़ा ना इसमें सोडा डाला है तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा, बस ज़्यादा पतला नहीं, इतना इतना बस इतना काफ़ी है ये। चलो इसको 5-6 मिनट के लिए रख देते हैं। लाया इसमें हम लोग डालेंगे 3 खाने के चम्मच ये धनिया है, ये देसी धनिया है, और इसमें 3 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें ये मैं गोल वाली मिर्चें को मैंने ना तोड़ दिया है, ये डालेंगे, होंगी तकरीबन 15 से 20 मिर्चें होंगी। इनको हम लोग थोड़ा फ्राई करेंगे, इसको हल्का सा ना रोस्ट करेंगे, जैसे इनकी खुशबू आएगी ना तो हटा देंगे। अब ये रोस्ट हो गया तो अभी हम लोग चूल्हा बंद कर देते हैं, बस खुशबू आ रही है, रोस्ट हो गया ये, ठीक है। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून जितनी काली मिर्चें, अजवाइन है, और ये 4 लौंगे ये डाल देंगे। अब इसको हल्का सा इसको भी रोस्ट करेंगे, इसको पहले पीसेंगे और फिर बाद में वो चीज़ें डालेंगे, इनको ज़रा बारीक पीसना है, पहले तीनों चीज़ों को पीसेंगे, फिर उसके बाद जो मैंने वो ज़ीरा और वो डाला है ना धनिया और मिर्चें, वो इसको पहले पाउडर करके फिर उसको डाल के पीसेंगे। चले बस हो गया रोस्ट, ये बस खुशबू आया तो समझो कि हो गया है, क्योंकि हमने इसको भूनना तो है नहीं। मैं आम जो नॉर्मल नमक होता है वाइट वाला वो डाल रही हूँ, और ये काला नमक पिंक नमक जो है ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, लेकिन लेवल डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम मैं इसमें टाटरी डाल रही हूँ, तो ये भी सारा इसके साथ ही पिस जाएगा। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया, अभी हम लोग इसमें फुल्कियाँ डालेंगे। फूले फूले बने हम लोग दो तीन बंदे हैं, तो मैंने थोड़े से बनाए, आप लोग अगर ज़्यादा हैं तो फिर ज़्यादा बना लें, क्योंकि इतने तो खाए नहीं जाते। तो देखें हमारी फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं, बंदोली को निकाल देते हैं।
देखिए मैंने एक और दही लिया है और इसको मैं इस पर इस तरीके से फेंटूंगी ताकि स्मूथ हो जाए। अच्छा, इसमें डलेगा 1/2 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/2 टीस्पून इसमें चीनी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून चीनी डाली और 1/2 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। एक तो इससे ना अगर पड़ा भी रहता है ना दही खट्टा नहीं होता, ये मैंने आपको टिप्स दिए हैं। एक जो लाजमी आप लोग डाला करें कॉर्नफ्लोर भी डाला करें, तो कॉर्नफ्लोर डालने से पानी नहीं छोड़ता दही और चीनी से ज़रा ना उसका जायका अच्छा हो जाता है, खट्टा नहीं होता दही, दोनों चीज़ें डालने से। उसको मैं अच्छे तरीके से बीट करूँगी, बिल्कुल स्मूथ कर दूँगी। देखिए इतना अच्छा माशाल्लाह हो गया, बिल्कुल मुलायम। ठीक है, चले ये हमने नॉर्मल पानी लिया जो रूम टेम्परेचर पे होता है, तो उसमें मैं ये फुल्कियाँ डाल दूंगी इसके अंदर। इसको ना ये अच्छे तरीके से इनको डिबो देंगे, थोड़ी देर इसमें पड़ी रहेंगी क्योंकि गरम गरम नहीं डालते, नहीं तो अंदर गुठली हो जाती है। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी डाल देती हूँ, ये इसमें पड़ी रहेंगी अभी, तो ये थोड़ी नरम हो जाएंगी, 10 मिनट तक इसमें पड़ी रहेंगी, नरम हो गए। अभी इनको से हमने पानी निकाल के और इनको यहाँ पे नीचे ट्रे इसमें सजा देंगे प्लेटर में। अब इसमें हम लोग डालेंगे चने, इसके ऊपर चने डालेंगे। ये दही बड़े छोले हैं, सही फुल्कियाँ नहीं हैं, ये डालेंगे अभी। अच्छा, इसके बाद डालेंगे हम लोग इसके ऊपर ये वाली चटनी। ये वाली चटनी डालेंगे इसके ऊपर, अब इसमें डालेंगे इमली की चटनी। अब इसमें डालेंगे इमली की चटनी, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम लोग ये वाले आलू, अच्छा अब इसमें डालेंगे टमाटर और प्याज। डालेंगे हम लोग ये वाली प्याज, माशाल्लाह आप लोग बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनते हैं ये दही बड़े छोले, उनको बोलते हैं दही बड़े छोले। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे दही, अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे ये दही। अभी हम लोग इसको ज़रा सा थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, इमली की चटनी हल्की सी डालेंगे इसके ऊपर, सही है, थोड़ा से ना हरी चटनी डाल देंगे ऊपर थोड़ी सी ताकि खूबसूरती आ जाए। चलिए देखें तैयार हो गया हमारा ये। अब इसमें हम लोग दही बड़ा मसाला, मैंने ये दही बड़ा मसाला मैंने नीचे नहीं डाला, मैंने कहा फिर ऊपर भी डालेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे तैयार हो गए दही बड़े छोले, देख लें मेरे इसकी दही बड़े मसाले की कितना मज़े का बना है। इसके चाट के ऊपर भी आप लोग डाल सकते हैं, अगर चाट वगैरह बनाएं तो उसके ऊपर भी, चनों की चाट के ऊपर, फ्रूट चाट के ऊपर और ये दही बड़े छोलों की चाट के ऊपर। अब ये दही बड़े छोलों की चाट देखें कितने मज़े की बनी, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी बनी, बहुत मज़े की बनती है। स्कूल के ज़माने में हम लोग खाते थे तो बहुत मज़े की बनती है, देखना कितनी अच्छी इसकी लुक आई है।
अच्छा मैंने मसाला इसलिए भी ज़्यादा नीचे का नहीं डाला, मैंने कहा नीचे भी डालूंगी फिर ऊपर भी डालूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने सिर्फ ऊपर ही डाल दिया है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें। और आखिर में आप लोगों से यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे और मेरा और आपका दस्तरखान हमेशा भरा रहे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। आप लोग बहुत ही कम देखते हैं, बहुत ही कम देखते हैं आप लोग, वीडियो काट काट के देखते हैं। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए तो मेरी वीडियो पूरी देखें, दूसरा मुझे ना सब्सक्राइब करें। आप लोगों का तावुन होगा तो मैं आगे जा सकूँगी, क्योंकि आप ही लोगों के तावुन से मैं यहाँ तक भी आई हूँ तो आगे भी जाऊँगी इंशाल्लाह अज़ीज़। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आप लोगों को यही बोलती हूँ कि कमेंट्स किया करें, लेकिन आप लोग कमेंट्स नहीं आते, बताया तो करा करें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।